में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के बिल्कुल परिसर में हम खड़े हैं, जहां पर आप देख रहे हैं लीगल सेल की ओर से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जिस तरह से सीएम अब्दुल्ला ने कल शपथ ली उन्हें बधाई दी है। और वहीं पर अगर बात करें तो क्लीन स्वीप किया ये जरूर कहेंगे, जहां पर एक तरफ भाजपा दावे कर रही थी हमारा डोगरा सीएम होगा और हम 50+ का लक्ष्य लेकर चलेंगे, पर जो रिजल्ट जो परिणाम आए वो चौंका देने वाले। अल्टीमेटली ये कहेंगे 42 सीटों के साथ जो कि बहुमत का आंकड़ा जो कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल किया, तो हमने पहले ही कहा था कि जनता का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को लोकतंत्र के पर में हिस्सेदारी का मौका मिला और बाखूबी हमारी जनता ने उस मौके को निभाया भी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के लोगों ने भरपूर प्यार दिया। वहीं पर अगर बात करें जम्मू की, जिसे हार सीट माना जाता है, जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरिंदर रैना की जो नौशहरा की सीट थी वो सुरिंदर चौधरी के झोली में आए क्योंकि जनता ने उन्हें सराहा। तो आमतौर पर पहले ही हमने कहा था कि जनता का फैसला सर्वोपरि होगा। जम्मू यहाँ के लीगल सेल की ओर से, जिसमें डीएस चौहान से इनके साथी यहाँ मौजूद है, बधाई दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला को और देखते हैं किस तरह का सिनेरियो रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी ने आते ही कुर्सी पर बैठते कई ऐसे ऐलान कर दिए जो सीधा जनता के दिल पर लगे हैं। जाकर क्या कहेंगे सर, क्योंकि काफ़ी देर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई है वापस, और क्योंकि ये यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर हैं, उमर अब्दुल्ला जी को पहले भी अनुभव है, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनको पता है कि डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, पब्लिक डिलीवरी और जस्टिस सिस्टम क्या है। उन्होंने जो ये फैसले लिए ये पब्लिक के हित में लिए हैं, ना कि अपने ज़ाती मफाद के लिए लिए हैं। आज से पहले LG एडमिनिस्ट्रेशन थी, कहने को वो लोगों की एक लोगों की सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने माँ सिवाय हमें परेशानी देने के और कुछ नहीं किया। आप कंपैरिजन करेंगे, मैंने अभी बोला कि अभी तो हमने अभी अज्यूम किया है इस गवर्नमेंट ने, एक दिन हुआ है, आप 6 महीने हमें दीजिए, 6 महीने के बाद जो है आप खुद कंपैरिजन करेंगे, लोग यहाँ की जनता करेगी, जम्मू कश्मीर की जनता। जब मैं जम्मू कश्मीर की जनता कहता हूँ तो उसमें जम्मू के लोग जो हैं वो ज़्यादा दिल जीता है उनका लोगों ने, हालांकि उनका जो मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वो वैसा नहीं था जैसा हमें एक्सपेक्टेड था, लेकिन उसको बैलेंस करते हुए उमर अब्दुल्ला जी ने हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिए। उसके अलावा उन्होंने उसको बैलेंस करते हुए भेदभाव नहीं रखा, कोई भेदभाव है ही नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि मुझे जो है जम्मू में जिधर कमियाँ रह गई हैं हमारी पार्टी से, उसको हम दूर करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, उसी लक्ष्य से ये गवर्नमेंट जो बनी है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि काफ़ी अंतर होगा, आप खुद ही कंपैरिजन करेंगे। वही सोचा कहीं ना कहीं, अगर बात करें तो जम्मू की अगर बात करें तो 29 सीटें भाजपा के खेमे में डाली हैं। वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने एक बयान दिया है, भले ही जम्मू के लोगों ने नकारा है पर हम आश्वासन देते हैं जितना हमारे कश्मीर प्यारा है उतना ही जम्मू भी प्यारा होगा, हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। बिल्कुल, उन्होंने यही भी हुई चौहान साहब की वहाँ पर, मैं पर्सनली भी हमारी लीगल टीम उनको मिली फारूक अब्दुल्ला साहब से, आपको उनकी नेचर पता है, क्योंकि वो कहते हैं अगर वो मेरा दिल है तो दिमाग जो कश्मीर दिमाग है तो दिल जम्मू है, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया क्योंकि उनको जम्मू से उतना ही प्यार है जितना कश्मीर से है, कि ये कोई दो रीजन की बात नहीं है, इसको जोड़ना है। उन्होंने, मैंने कहा ना कि अगर हमारी कहीं नाराज़गी कहेंगे आप ये कहिए नाराज़गी की कमियाँ रह गई थी पार्टी में, वो पार्टी लेवल पर भी हम चेक करेंगे क्यों हमें मैंडेट कम आया, भी सोच रहे हैं क्या कमियाँ रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू में उन्हें वोट नहीं मिला और क्या कमियां भाजपा की रही हैं, जहां पर उन्होंने जाते रहे हैं, इवन के देश के प्रधानमंत्री भी गए, गृह मंत्री भी राम माधव जी गए, पूरा तंत्र कश्मीर घाटी की तरफ, उसके बावजूद भी लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया। आप भाजपा की कमियां ना कहें, उनको नकार दिया है जी, कश्मीर की जनता ने उनको नकार के उनको कहा है दे हैव बीन शोन देयर प्लेस, लेकिन जम्मू की जनता को हमने, वो हमारे से कहीं नाराज थे, उस नाराज़गी को हम पॉलिटिकल लेवल पे भी एग्जामिन करेंगे कि कहाँ कमी रही और जो कमियाँ रह गई हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है कमियाँ उनको हम दूर करेंगे। हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता को बांटा गया क्योंकि हमारा गुलदस्ता उसे इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। आपको लगता है आने वाले समय में जो उमर अब्दुल्ला जी की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई है वो जम्मू कश्मीर को साथ लेकर चलेगी ताकि प्रगति और उन्नति की तरफ बराबरी का दर्जा? आप ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही ये आपको रिप्लाई मिलता है कि किस किस को लिया गया है, उसमें उन्होंने
रिप्रेजेंटेशन गुजर कम्युनिटी को दी है, पुंछ जो है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल गई है, जम्मू से भी रिप्रेजेंटेशन मिली है, और उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू का दिया है, तो इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। चलिए मेहरू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इधर हम सेलिब्रेट करने के लिए जमा हुए हैं, और व्हाट अ ब्यूटीफुल शो ऑफ डेमोक्रेसी मिस्टर फारूक अब्दुल्ला हैज़ शोन। एंड सबसे बड़ी बात रश्मि जी, जम्मू आपने अभी पूछा, अभी दो बातें आपने पूछी कि क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में मैंडेट नहीं मिला। आई वुड लाइक टू आंसर दैट। द इशू इज़ दैट दिस इलेक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट फुली कंटेस्टिंग इन जम्मू। देर वॉज अलायंस विद कांग्रेस, एंड कांग्रेस की वजह से जो सीटें कांग्रेस को दी गई वहाँ पर अगर एनसी उतरती तो मैं आपको ये अभी दावे के साथ कह सकती हूँ कि एनसी पूरे मैंडेट के साथ जम्मू में भी आती। ठीक है, तो इट इज इट शोज अ ब्यूटिफुल शो ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर 10 years। सो वी शुड अप्रिशिएट, नंबर वन। नंबर टू, यू हैव सीन उमर साहब ने जैसे ही अपनी कार्यकाल संभाला तो उन्होंने सबसे पहले जम्मू को एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया, जिसको कि निगलेक्ट, जो कि बीजेपी का पहले से एजेंडा ही यही रहा कि फैमिली है, इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को बांट दिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तो ऐसा नहीं था। दिस इज अ बीफिटिंग आंसर टू देम कि इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप बीजेपी की दिल्ली से यहाँ आई, सेंटर से यहाँ आई, और कुछ भी नहीं कर पाए, वोट भी नहीं ले पाए। रविंदर रैना जी तो इतना इतना दावा करते थे, 50 के पार, उधर 400 के पार, कहाँ पार गए? ये तो मुश्किल से कहीं, मुश्किल से इनकी कोई हार्ड आए, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज़ बड़ी देखने वाली है कि इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है, क्योंकि आज सब अवेयर हैं, सब सोशल मीडिया को देखते हैं, सब हर चीज़ को एनालाइज करते हैं। पहले ये चीज़ें होती नहीं थी, पहले लोग अनपढ़ थे, पहले लोगों का इशू ये हो जाता था कि आधे बेचारे जो गरीब अनपढ़ लोग हैं उनको ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिवाइड करते थे। आज कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो अवेयर नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, सब अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने वोट को वैल्यू करते हैं, और वो वैल्यू करने के बाद ही प्रेस करते हैं। लगता है जम्मू कश्मीर बदलाव और ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स, ये तो सबसे पहला एक दिन ही हुआ तो बदलाव इतना प्यारा आया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे पास जम्मू से आए, सतीश शर्मा जी को एक कैबिनेट मिनिस्ट्री दी गई, जावेद राणा जी को दी गई। सो दीज आर, ये तो जम्मू प्रोविंस में ही फॉल करता है सारा। ये तीन मिनिस्ट्रियां, पांच में से तीन मिनिस्ट्रियां उन्होंने यहां दे दी, तो दिस इज वन ऑफ अ ब्यूटिफुल सिक्स आउट ऑफ दिस, सिक्स में से तीन यहां दे दी, तो दिस इज द इक्वलाइजेशन ऑफ बोथ द रीजन्स। चलिए, सब देख रहे हैं, मिठाइयां बांटकर सेलिब्रेशन की जा रही है जी। सर क्या कहेंगे आप? देखो, आप सबको पहले तो मैं मुबारक दूंगा कि डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर हुई, जो हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं उनको चीफ मिनिस्टर जम्मू का जो है बनाया गया है कल की डेट में, और उनकी ओथ भी हुई, और हमारे जो 6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके साथ उन्होंने भी वहाँ पर ओथ जो इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लीगल सेल की तरफ से, और ख़ास करके जो हमारे DS चौहान साहब जो प्रधान हैं, वो पिछले 10 साल से हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, और हम इनकी छत्रछाया में काम भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ लीगल सेल की तरफ से और यहाँ के जो जम्मू के जो लॉयर्स हैं यहाँ और हाई कोर्ट की, इनकी तरफ से पहले तो हम मुबारकबाद देंगे अपने चीफ मिनिस्टर को, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, और जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, जैसे MLAs हुए और कैबिनेट मंत्री, पहले तो हम सब उनको मुबारकबाद देंगे। उसी सेलिब्रेशन में हमने आज आपको इनवाइट किया था। दूसरी बात, आपको एक बात ज़रूर मैं ये कहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो, आप 2014 से पहले की बात ले लें, ये आप भी जानते हैं रश्मि जी, आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर, और मैं खास करके जम्मू की जनता को भी कहूँगा कि अभी भी वक्त है हमारे पास, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक प्रॉस्पर स्टेट थी जिसको तोड़ मचोड़ कर तीन हिस्सों में बांटा गया। देखो, लद्दाख को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया, जम्मू को अलग किया गया, और कश्मीर को, आप देखो कितनी पोलराइजेशन इस इलेक्शन में हुई। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, अगर डेवलपमेंट के ऊपर बात करने की बात आए, तो आप देखें 2014 से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज होती थी, कितने नोटिफिकेशन आती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर
जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितने हाई लेवल पे था, और आज एलजी मनोज सिन्हा के दौरान में जब उनका दौरा था तो आप देखें जम्मू कश्मीर के अंदर कितना ग्राफ नीचे आया, जो कि एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बदलाव होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमें अपने लीडर पे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बदलाव होगा। और ये मुझे दावे से कहूंगा कि जो ये तालमेल जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं वो जरूर यह है कि जम्मू की जनता के लिए सोचेंगे, क्योंकि वो आपको कल मैसेज मिल ही गया कि क्योंकि वो कभी भी जम्मू कश्मीर में जम्मू को निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात तो आप सबको मुबारक है मेरी तरफ से, और हमारी जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसको सबको मुबारक है हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। बिल्कुल 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर को मुख्यमंत्री मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला ने कल जिस तरह से शपथ ली, और सबसे बड़ी बात डिप्टी सीएम थे सुरेंद्र चौधरी जो बने हैं, वहीं पर अगर बात करें तो जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही कह दिया था कि जम्मू और कश्मीर हमारे लिए बराबर है, हम दोनों को बराबर का प्यार देंगे, साथ लेकर चलेंगे। और वही कल उमर अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया कि जब भी मैं रोड पर उतरूँ तो ना ही मुझे ग्रीन कॉरिडोर चाहिए और ना ही मुझे सायरन ज़्यादा बजना चाहिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अग्रेसिव होकर किसी को ना दिखाया जाए जब भी मूवमेंट हो, पर हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब भी वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट है, कल भी हमने ये बात कही थी, लोगों को कितनी असुविधा होती, किसी ने हॉस्पिटल जाना होता है, किसी ने अपने कॉलेज स्कूल में जाना होता है, किसी ने अपने कामकाज पर समय पर पहुंचना होता है, घंटों घंटों लोग वहां पर रुके रहते। वही नहीं बल्कि अगर रेहड़ी गांधीनगर का रेहड़ी जोन हो, पिछले दिनों मैंने बताया था देश के जब गृहमंत्री आए थे पूरी तरह से बंद था, उन लोगों का घर का चूल्हा कौन जलाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। हमने पहले ही कहा था माना सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप इस तरह की चीजें करते हैं, पर किसी के रोजगार को तो मत करिए ना, आपके पास इतना तंत्र है अब लगाइए, पर लोगों की दुकानें बंद करके ये कहां का निजाम है। तो हमने वो भी बात लगी, लोगों ने उसे अप्रिशिएट भी किया था, उसी के चलते सारी चीजों को मद्देनजर रखते हो कल उमर अब्दुल्ला का एक बयान जो उन्होंने डीजी जम्मू कश्मीर को साफ तौर पर हिदायतें दी थी, जब मैं सड़क पर उतरूं मुझे ना ही ग्रीन कॉरिडोर चाहिए ना ही सायरन बजने वाली गाड़ियां ज्यादा चाहिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो, और हमें जो भी जनता की काम करने वो जनता के अनुकूल करने, उसके विपरीत जाकर कोई भी ऐसा काम ना करना हो जिससे जनता को असुविधा हो। फिलहाल आज इस समय हम जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के परिसर में, जहां पर लीगल सेल की ओर से यहां पर जश्न मनाया गया, मिठाइयां बांटी गई और उमर अब्दुल्ला को बधाइयां दी गई। उम्मीद करते हैं ये सरकार जो बनी है ये जम्मू कश्मीर को साथ लेकर, लोगों को साथ लेकर चलेगी, इनके हित में काम करेगी। चलिए देखते हैं समय बड़ा बलवान है, क्या होता है, क्या नहीं, क्या बदलाव होंगे, क्या हमारे डेली वेजर का मसला हल होगा, क्या हमारे होमगार्ड के मसले को दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा, क्या हमारे एसपी उसका मसला हल होगा, अन्य कई मसले, सबसे बड़ी बात स्मार्ट मीटर का मसला जो है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 200 जो हमने मैनिफेस्टो में रखा था कि 200 बिजली जो यूनिट है वो फ्री मिलेगी, चलिए ये आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।